नागपुर आरपीएफ की स्पेशल टीम ने बुधवार को गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को आरपीएफ को जानकारी मिली कि दक्षिण एक्सप्रेस के जनरल कोच में दो लावारिस बैग पड़ी है। जानकारी मिलती है आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जांच करने पर पता चला कि दोनों बैग में 22 से 24 किलो गांजा बरामद किया। यह बैग जिसकी है और इसके कौन रखकर चला गया है, इसका पता आरपीएफ पुलिस कर रही है। हाँ, टीम आरपीएफ नागपुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे की जो स्पेशल क्राइम डिटेक्शन टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करी है गांजा के संबंध में। ये जो दक्षिण एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी उसके इंजन से सटे हुए जनरल कोच से दो लावारिस बैग मिला है, बड़ा सा सूटकेस जिसके अंदर 12 पैकेट्स गांजा का मिला है। और अभी जो विजुअल हम लोगों ने एस्टिमेशन किया है, अप्रोक्सीमेशन करीबन 20 से 22 kg लग रहा है और इसकी मार्केट वैल्यू करीबन 2 लाख से ज़्यादा आकी जा रही है। और अभी हम लोग बाकी आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी को हैंड ओवर कर रहे हैं आगे की कार्रवाई के लिए। और इसमें इस साल 2019 में अभी तक हम लोगों ने 5 गांजा के केसेस पकड़े हैं और पिछले साल हमने पूरे 2018 में 10 केस पकड़े थे। और ये हमारी जो गांजा जो अवैध गतिविधियों के खिलाफ जो कार्रवाई है आगे भी जारी रहेगी। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी इलीगल एक्टिविटीज रेलवे के थ्रू ट्रेन में कहीं भी आपको देखने को मिलती है तो आप 182 पे कॉल कर सकते हैं। और मैं खासकर अभी लोगों से बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी सिनारियो है उसके तहत भी